चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि HD थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पे आपको पिक्सल ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। पिक्सल ऐप ये लिखा हुआ है, पिक्सल ऐप, ठीक है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है जो HD थंबनेल बनाने के लिए और फ़ोटो एडिट करने के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, ये डिफ़ॉल्ट कलर है, इसमें से आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं जिस पे आपको फ़ोटो एडिट करनी है, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, जैसा भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ। अब क्या करना है, सबसे पहले अब मैं इस पे अपनी के साइज़ के लिए बनाना है, तो सबसे पहले आपको साइज़ पे जाना है। तो नीचे जो ये नीचे ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे आपको एक साइज़ का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये देखो, इमेज साइज़ पे हमें यहाँ पे कुछ मैनुअल लिखना नहीं है, सीधा कस्टम पे जाना है और वहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल का हमें बनाना है, यूट्यूब थंबनेल के लिए बनाना है। तो इसको सेलेक्ट करके ओके कर दो, ये ऑटोमेटिक साइज़ सेलेक्ट हो जाएगा, यानी ये वाले साइज़ है जो यूट्यूब थंबनेल के लिए होगा। अब ऊपर ये प्लस का ना मार्क देख रहे हो, प्लस पे जाके यहाँ पे मैं एक फ़ोटो ऐड कर देता हूँ गैलरी में जा कर के। इसको क्रॉप कर लेते हैं, जैसा भी आप क्रॉप करना चाहो ना क्रॉप कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे देखो फोटो आ गई है। अभी क्या करना है, हमें इसमें टेक्स्ट में लिखना है कुछ भी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ हाउ टू क्रिएट HD थंबनेल, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। इसको ओके कर देंगे, अब ये यहाँ पे लिख गया है। अब क्या करना है, हमें इसके टेक्स्ट को कलर करना है अच्छे से और इसको डिजाइन करना है ताकि अच्छा लगे दिखने में। तो मैं बता देता हूँ इसके लिए क्या करना है, नीचे ऑप्शन आ रहे हैं ये सारे। इस ऑप्शन में मुझे ये बीच वाला ऑप्शन है, यहाँ पे हमें कलर करने का ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ पे दो कलर का ऑप्शन आ गया है, तो हम ये किस में लिखना चाहते हैं, किस कलर में लिखना चाहते हैं, जौन सा भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे उस कलर में ये लिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इस कलर को ले लेता हूँ, हाँ यही कलर ले लेता हूँ, और इसको ओके करेंगे तो ये हो जाएगा। अभी क्या करना है, मुझे टेक्स्ट के साइज़ को भी थोड़ा सा ठीक करना है, तो एक बार फॉन्ट इसका ठीक कर लेते हैं। फॉन्ट पे जाते हैं, ये ऊपर दिख रहा है ना कैसे लिखा हुआ, ये तो ये दिख रहा है, जैसे नीचे सेलेक्ट करेंगे तो वैसा दिखेगा ऊपर कि कैसे लिख जाएगा। चलो दोस्तों, मैं इसको ले लेता हूँ, अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ओके कर दिया। देखिए दोस्तों, ये उस टाइप से ही हो गया है। अभी हमें इसका बैकग्राउंड अगर चेंज करना है, तो यहाँ पे जा कर के इस कलर का बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, जौन सा बैकग्राउंड आप लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। मैं इसी बैकग्राउंड को लगा देता हूँ। ओके कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ इसमें एक बार शैडो डाल देता हूँ, ये शैडो का ऑप्शन है, शैडो डाल देता हूँ एक बार, देखो शैडो से क्या फ़र्क पड़ता है, ये देखो, ये देखो, ये देखिए आप, ठीक है। तो अपना एक शैडो आप लगा सकते हैं, जौन सा भी आप चाहो, मैं ब्लैक ही लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये 3D इफेक्ट है कि 3D कितना करना चाहोगे, इसको जूम हो जाएगा, ये जैसा चाहोगे वैसे पलट जाएगा, इसमें टर्न भी हो जाएगा, ये देखो जैसे आप चाहो उधर से हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा इस टाइप से कर देता हूँ, इसको सीधा ही कर देता हूँ, अच्छा कम लग रहा है, तो इस टाइप से लिख दिया है। अब हमें इसका ये 3D इफेक्ट देख लेता हूँ, ये काफ़ी अच्छा लगता है, ये वाला इफेक्ट डाल देता हूँ, है ना, ये देखो अच्छा लग रहा है।
अब बैकग्राउंड अगर अच्छा नहीं लग रहा है बैकग्राउंड का कलर, तो उसको रिमूव भी कर सकते हो। ये बैकग्राउंड कलर पे जाओ, उसको बंद कर दो, तो बैकग्राउंड कलर रिमूव हो जाएगा। तो ये है दोस्तों, इस टाइप से अपना आप HD थंबनेल बना सकते हो। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप नीचे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अभी मैं इस पर क्लिक करके इसमें कुछ स्टिकर वगैरह थोड़े से वो डाल देता हूँ। ये देखिए आप, ये स्टिकर है, इस पर चाहिए आप, एक स्टिकर लगा देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ लगा देता हूँ। अब एक लग गया, तो फिर दोबारा से उसी पर क्लिक करके दूसरा भी लगा सकते हो आप, ठीक है। ये देखो दो स्टिकर लगा दिए मैंने। अभी क्या करना है, जैसे कुछ एरो वगैरह लगाना है ना, कि एक एरो लगाना चाहो आप, कि ये कैसा कैसे करना है आपको, तो ये एरो है, ये इसको आप उठा के रख सकते हो अपने हिसाब से। अब इस एरो को आप कलर भी कर सकते हो, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें अच्छे खासा कलर भी है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसको थोड़ा सा 3D में कर देता हूँ। इसमें देखेंगे तो आप बहुत सारी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, इसमें काफ़ी ऑप्शन है। ये नीचे ऑप्शन जो है, इनमें बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ये सारी आपको अपने हिसाब से देखनी पड़ेंगी, कैसे कैसे टेक्स्ट का कैसे कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कलर मिल गया है, तो कलर आप जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। ये कलर कर देता हूँ मैं, इसको ओके कर देता हूँ। तो ये था दोस्तों, इस टाइप से आपका ये पूरा थंबनेल देखो बनके तैयार हो गया, जो कि HD में है। अभी क्या करना है, इसको सेव करना है, ऊपर सेव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, सेव एज इमेज और सेव एज प्रोजेक्ट। तो हमें सेव एज इमेज करना है, इसको क्लिक करेंगे आप, और ये सेव टू गैलरी, तो ये गैलरी में सेव हो गया है आपका। अभी मैं देख लेता हूँ गैलरी में कहाँ पर आया है, ठीक है, तो ये गैलरी में ये देखो सेव हो गया। तो ये बनके तैयार हो गया दोस्तों। इस टाइप की वीडियो और इस टाइप की ट्रिक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।